हाय फ्रेंड्स, तो आज हम वापस आ गए हैं रेसिपीज़ पे। हम बना रहे हैं इमली मिंट की चटनी। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या किया है मैंने। मैंने करीबन इसमें 1 चम्मच सौंफ डाली है, आधा चम्मच अजवाइन डाली है, आप देख सकते हैं अजवाइन सौंफ, और मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच ज़ीरा। तो ये तीनों जो भाई बहन हैं सब डाल दिए हैं मैंने इसमें, और इसमें मैंने डाला है कुछ, मतलब थोड़ी सी इमली डाली है। ये इमली मैंने कुछ 10 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए भिगो के रखी थी। होपफुली ये इसके अंदर ही पूरी घुल जाएगी। जो जो ब्राउन जो कलर आ रहा है, ये गुड़ का भी आ रहा है। मैंने इसमें बिल्कुल देसी गुड़ डाला है, दो छोटे छोटे डल्ली। जब ये बिल्कुल पक जाएगा तो इसको मैं मिंट के साथ मिक्सी में पीस लूँगा। जब ये पक जाएगा थोड़ा सा, अभी पतला है तो जब पक जाएगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक। हो रही है वीकेंड की तैयारी। ओके, वीकेंड की तैयारी। क्या स्मेल आ गई है, एकदम अजवाइन सौंफ जीरा गुड़ इमली की, जो मिक्सचर का जो स्मेल आ रहा है। हाँ, अभी से चाट वाले की मज़े याद आ रही है मुझे। और अब दही बड़ों के लिए सबसे बेस्ट चटनी है। ओके गाइस, ओके, तो आज हम बना रहे हैं कांदा भज्जी। कांदा भज्जी बनाने के लिए मैंने इसमें यूज़ किए हैं स्लाइज्ड अनियन, देख सकते हैं आप। मैंने एक अनियन को, जो बड़ा मीडियम था इतना, उसको हमने स्लाइस कर लिया था। और इसमें मैंने डाला है हरी मिर्च, थोड़ा ज़ीरा, थोड़ा धनिया और सौंफ का मिक्सचर, और इसमें मैंने डाला है नमक और थोड़ी मिर्ची। इसके बैटर को मैंने टेस्ट करके देख लिया है, मसालों का टेस्ट जो है वो बराबर आ रहा है। और ये रही मेरी कढ़ाई, कढ़ाई में मेरा तेल भी गर्म है, चेक कर लूँगा मैं। तेल गर्म हो गया। अब मैं इसमें ये भज्जी के लिए बैटर को बना के ऐसे एक बार मिक्स कर लेता हूँ, जिससे बैटर जो नीचे सेटल हो गया है वो मिक्स हो जाएगा। और इसको मैं करके ऐसे इसको मैंने मीडियम आंच पे थोड़ा देर सिकने दूंगा, और जैसे ही सिकने लगेंगे तो इसमें से एक बेसन का जो सिकने का स्मेल है वो आपको आने लगेगा, जो भजियों का फेवरेट स्मेल होता है। और आप देख सकते हैं बाहर एकदम बारिश का मौसम हो रहा है, भजिया खाने का बेस्ट टाइम है ये। सिकने दूंगा मैं इसको, डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना ये हार्ड हो जाएगा, और जितना ये हार्ड होगा हल्का हल्का क्रिस्पीनेस आ जाएगा। और अच्छे से सीखने के बाद देखिए, अब कुछ कुछ कलर भी चेंज हो रहा है साइड्स में। इसका पहचानने का तरीका यह है कि साइड्स में कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसको झारे की मदद से पलट दूंगा और दूसरे साइड से भी एक बार सेक लूँगा। गरम तेल के साथ बिल्कुल भी आप गरम तेल के साथ बहुत ही ध्यान देने की जरूरत होती है। फिर गरम तेल आपको अगर स्किन पे आ गया गलती से तो बहुत ज़्यादा जला सकता है, डैमेज कर सकता है। बिल्कुल केयरफुल रहिए। देखिए कलर देखिए, बिल्कुल इसमें थोड़ा पेशेंस लगता है, पेशेंस के साथ जब अगर आप बनाएंगे तो आपके बम भजिए जो है मज़ा आ जाएगा आपको। अभी मैं एक साइड से जितना सेका था उतना ही दूसरे साइड से सेकूंगा। हाँ, तो बन गए हमारे भजिए। आप इस भजिए को मैं खाऊंगा मेरी बनाई हुई इमली चटनी के साथ।